मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरी आठवीं में स्कूल छूट गया था, मैं आगे नहीं पढ़ पाई, लेकिन आज इस विद्यालय परिसर में जो बच्चों की संख्या देख रही हूँ बहुत ही अभिभूत है। मैं ज्यादा ज्ञान तो आपको नहीं दे सकती क्योंकि हमारे विद्यालय के टीचर्स और हमारे माता पिता आपको मार्गदर्शन करते रहते हैं, आपको मोटिवेट करते रहते हैं किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। लेकिन मैं मेरी जर्नी के माध्यम से आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, जो भी आपको उसमें से अच्छा लगे आप उसमें से सुरा लेना, ग्रहण कर लेना। मैं बाड़मेर जिले से हूँ, बाड़मेर जिले के रावतसर गांव में 1988 में मेरा जन्म हुआ। 4 साल की उम्र में माताजी का देहांत हो गया, 8वीं में मेरी स्कूल छूट गई, आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। स्कूल छूटने के बाद में घर का काम, खेती का काम और पानी की इतनी दिक्कत थी कि मेरे पास में बैलगाड़ी थी तो मैं बैलगाड़ी से पानी लाने का काम भी करती थी। और जब भी टाइम मिलता दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम जरूर सीखती थी। 17 साल की उम्र में शादी हो गई, शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई, मेरे हस्बैंड की 5वीं में, तो ऐसा कोई स्थायी रोजगार हमारे पास में था नहीं, ना इतना खेती का काम था कि पूरे साल काम कर सके, क्योंकि बारिश होती तो सिर्फ 3 महीने का काम होता, नहीं तो फ्री रहते। शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, उसको अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत थी, हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ हम नहीं लेके जा पाए और उसको नहीं बचा पाए, तो एकदम से टूट गई कि अब जिंदगी में जी के क्या करना है। पहले माँ को खो दिया, फिर बच्चे को, कई नेगेटिव विचार आने लगा कि जिंदगी ही ख़त्म कर लूँ। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया ऐसे जिंदगी से हार मानने से अच्छा है मैं कुछ काम करूं जिससे मेरा घर भी चले और मेरा मन भी लगा रहे। तो यही सोच के मैंने 2008 में काम की शुरुआत की थी। वो काम ऐसा नहीं था कि कोई बड़ी फैक्ट्री लगा दी, एक सबसे छोटा माने जाने वाला सुई धागे का काम, सुई धागा हाथ में लिया, कसीदाकारी का काम शुरू किया, छोटे छोटे बैग बनाने शुरू किए। जिस तरीके से बहने सोचती है कि हम मायके जाएंगे तो बैग तो अच्छा लेके जाएंगे, तो उस टाइम मेरे दिमाग में यही आया कि मैं छोटे छोटे बैग बनाऊं जिससे महिलाएं खरीदेगी, मेरी बहनें खरीदेगी। लेकिन बैग के ऊपर जो कसीदाकारी का काम था वो तो सुई धागे से हो गया, अब जो बैग की स्टिचिंग थी वो मशीन से करनी थी। मशीन मेरे पास थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। एक बार फिर हिम्मत हारने लगी, मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने सोचा जो तकलीफें मुझे आ रही है मेरी और भी बहनों को आती होगी, उनको भी काम की ज़रूरत होगी, क्यों ना मैं उनसे बात करके देखूं। एक दो बहन से बात किया, करते करते हम 10 महिलाएं हुई, 10 महिलाओं ने मिलकर एक हेल्प ग्रुप बनाया, SHG बनाया और 100-100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से काम की शुरुआत की। आगे भी इतना आसान नहीं था क्योंकि अब हम 10 बहनें हैं, 10 बहनों के लिए काम कहाँ से आएगा। इधर उधर काम की तलाश शुरू की तो किसी ने बोला कि आप एग्जीबिशन करिए। अब एग्जीबिशन कहाँ होता है, बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं, तो किसी ने बोला कि नहीं, जो मेट्रो सिटीज है दिल्ली बॉम्बे ऐसी जगह पर जाके आप एग्जीबिशन करिए। मैंने कहा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक तो हम कभी गए नहीं और दिल्ली बॉम्बे कौन भेजेगा और कैसे जाएंगे। सबसे ज़्यादा डर ये था कि हमें तो सिर्फ मारवाड़ी आती है, हिंदी भी नहीं आती है, तो वहाँ जाके लोगों से बात कैसे करेंगे। तो जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया और हमने हमारा जो प्रोडक्ट बनाए थे वो कट्टे में भर के दिल्ली पहुँचे और वहाँ पे 2010 में फर्स्ट टाइम मुझे एग्जीबिशन करने का मौका मिला था, जिसमें 3 दिन का एग्जीबिशन था और 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हो गई थी। और वहाँ से मुझे लगा कि अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, मुझे इसमें नवाचार करना है, इसको और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और हमारी बहनों को कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पे ध्यान दिया और
पूरे इंडिया में एग्जीबिशन करना शुरू किया। उसके बाद में नवाचार करते करते जो हम प्रोडक्ट बना रहे थे होम फर्निशिंग के, उसके साथ साथ में गारमेंट्स भी बनाने शुरू किए। और साथ साथ में अब हमने सोचा कि जो हम गारमेंट्स बना रहे हैं लोगों को किस तरीके से दिखाएं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सके। तो उस टाइम किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। तो फैशन शो के नाम से ही हमें डर लगता था कि छोटे कपड़े पहनना ऐसा फैशन शो होता है कि हम क्यों फैशन शो करें। लेकिन कहीं ना कहीं क्लिक हो गया था कि मुझे फैशन शो करना है। तो जब मैंने फैशन शो करने के बारे में सोचा तो लगा कि एक गांव की महिला, एक आर्टिजन, इनको फैशन शो करने का मौका कहाँ से मिलेगा। बड़े डिजाइनर्स लोग हैं, वो फैशन शोज करते हैं। तो उस टाइम मैंने सोचा कि जो हमारा ट्रेडिशनल है, जो हेरिटेज है, उसका फैशन शो हम भी कर सकते हैं। तो उसके बाद में 2015-16 में मुझे फर्स्ट फैशन शो करने का मौका मिला। और वहाँ पे जाके मैंने बोला कि हमें फैशन शो करना है। तो लोगों ने बोला कि आप आर्टिजन हो, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे, ये आपका काम नहीं है, ये डिजाइनरों का काम है, आप जिद छोड़ दीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे ये फैशन शो करना है। तो वहाँ पे मौका मिला, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, किस तरीके से हमारा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन होगा, क्या कलर थीम लेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमने फिर और बड़े एनजीओ से हेल्प मांगी कि आप हमारी इसमें हेल्प करिए। तो उन्होंने बोला कि आप आर्टिजन हो, ये आपका लेवल नहीं है, आप ये चीज़ छोड़ दीजिए। तो उस टाइम हमें लगा कि कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन ये फैशन शो मैं ज़रूर करके रहूँगी। तो यही सोच के मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन तैयार किए और कलर थीम लिया, क्योंकि उस टाइम तो कोई सोशल मीडिया नहीं था कि कहीं से हमने वीडियो देख के भी उनकी कॉपी कर ली। आजकल तो सारे साधन हैं, हम घर बैठे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस समय बात थोड़ी अलग थी, और जैसा मुझे समझ में आया मैंने फैशन शो के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन तैयार किए। और जब हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आए तो सारी ऑडियंस और डिज़ाइनर सब खड़े होकर तालियां बजाई, और वही 5 डिज़ाइनर नेक्स्ट शो के लिए बाड़मेर पहुंचे अपना कलेक्शन बनाने के लिए। जो बीबी रसेल, हेमंत त्रिवेदी, अब्राह्मण ठाकुर, ऐसे डिज़ाइनर्स बाड़मेर से अपना कलेक्शन बनाया। और उसके बाद में डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने जीता, जिसमें पेरिस का टूर मिला था। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि हम जो सोच नहीं सकते वो हम कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फैशन डिजाइनर भी मैं बन सकती हूँ। अगर वो लोग मेरी हेल्प कर देते तो मैं हाथ से बनाने की कोशिश नहीं करती और मैं फैशन डिजाइनर नहीं बन पाती। तो जब भी हमारे सामने कोई परेशानी आती है तो उसको हम पॉजिटिव वे से सोचें कि हमें नया सीखने को मिल रहा है, यही सोच के अपने काम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि परिस्थितियाँ तो कैसी भी होती है, लेकिन उसका समाधान ज़रूर होता है, यही सोच के हम कार्य करते हैं। मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई, अच्छी स्कूल के बारे में नहीं सोचा, कॉलेज के बारे में नहीं सोचा, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर देने का मौका मिला, मुझे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला, सुई हाथ में लेके उनको काम करने का मौका मिला, और वापस आई तो PhD की मान्य उपाधि भी मुझे मिल गई। तो काम इस तरीके से करना है कि हमारे अंदर के हुनर को पहचानना है, किसी के बहकाव में ना आए, किसी की बातों में ना आए कि आपको ये करना है ये करना है। पहले आप तसल्ली से सोचें कि हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है, हम किस वे से आगे बढ़ सकते हैं। वो संगीत हो सकता है, कला हो सकती है, डांसिंग कर सकते हैं, या आप खेल में आगे जा सकते हैं। ऐसे कई हमारे आसपास में चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हमें खुशी मिलती है, उसको हमें करना चाहिए, उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। जो बच्चे होशियार हैं उनको देख के जो कमज़ोर बच्चे हैं वो नर्वस हो जाते हैं कि इसके इतने मार्क्स बने हैं, मेरे नहीं बने। लेकिन आप बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि उसमें वो टैलेंट था, वो पढ़ाई में अव्वल है, उनके इतने परसेंटेज बने, लेकिन कुछ ना कुछ हुनर अपने अंदर भी है जिसके माध्यम से हम भी फर्स्ट आ सकते हैं, हमारी फील्ड में हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ये हौसला हमेशा आपको रखना है, और हमेशा यह सोचना है कि मुझे जिसमें इंटरेस्ट है उसी फील्ड में मैं आगे बढ़ूंगी, तो पूरी जिंदगी मैं खुश रह के उस काम को कर पाऊंगी। चाहे दिन हो, रात हो, बारिश हो, सर्दी हो, इस काम करने में मुझे कोई संकोच नहीं, वही काम करना है। जब मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई, मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाई,
तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लगता है कि काश मैं थोड़ी और पढ़ लेती। लेकिन आज भी गांव में बच्चों की स्कूल छूट जाती है, या तो वो आर्थिक रूप कमज़ोर परिवार से आती है या स्कूल दूर होने के कारण, तो उनके लिए हम स्कॉलरशिप की व्यवस्था करते हैं जिसकी वो आगे की पढ़ाई है वो जारी रख सके। तो सालाना 25 से 75 हज़ार रुपये हम उनको सालाना स्कॉलरशिप के रूप में देते हैं। साथ ही हम एक बेटी बचाओ पे कार्य कर रहे हैं जो रक्षा योजना के नाम से हमने लॉन्च किया था 3 साल पहले, जिसमें 1 साल की से छोटी बच्ची को हम ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं एक गांव की एक बेटी को, और 20,000 रुपये की FD करवा के सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ देते हैं। और उसके बाद में हर साल छोटे छोटे अंशदान में हम राशि जमा करवाते हैं, और जब वो 20 साल की होगी तो उनके आगे की पढ़ाई के लिए उनके खुद के पास में पैसा होगा, वो किसी पे बोझ नहीं रहेगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आज तक हम टोटल 100 से ऊपर बच्चों को ब्रांड एम्बेसडर बना चुके हैं। इसी तरीके से स्पोर्ट्स में जाने का मेरा भी मन था, लेकिन ना मेरी पढ़ाई हो पाई और ना मैं स्पोर्ट्स में जा पाई। इसीलिए हमने सोचा कि हमारे यहाँ की बच्चियों में टैलेंट तो खूब है, लेकिन ऐसे संसाधन नहीं है जहाँ से वो तैयारी करके आगे बढ़ सके। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे हम एक ऐसा स्टेडियम बनाएं जिसमें खास करके बच्चियों को मौका मिले, क्योंकि जब बेटियाँ स्कूल से घर जाती हैं तो वापस खेलने के लिए नहीं भेजते हैं, तो उनके लिए पूरा इंडोर स्टेडियम की व्यवस्था की, हर समय वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर सके। उस स्टेडियम का काम अभी चल रहा है, जल्द ही पूरा होगा, तो हम आप लोगों को भी बुलाएंगे वहाँ पे। हमारे यहाँ की जो कला संस्कृति है उसको जीवित रखने के लिए हम रोजगार से जोड़ के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं को, जो महिलाएं गांव में दूर दराज ढाणियों में बैठी महिलाएं हैं, उनके पास रोजगार का कोई संसाधन नहीं है, उन बहनों को काम के प्रति मोटिवेट करते हैं, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देते हैं और उनको काम के लिए आगे आने के लिए ट्रेनिंग दे के वो मार्केट से लिंक करवाते हैं, तो उसके माध्यम से वो अपना रोजगार प्राप्त कर सकती है। आज इस स्कूल में जिस तरीके से महिलाओं की संख्या को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी बहनें भी आगे आने के लिए अव्वल है, इनमें भी हिम्मत आ रही है कि हम किस तरीके से आगे बढ़े। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आप जहाँ हैं, जिस पोजीशन में है, वहीं से अपने काम की शुरुआत कर सकती हैं। बिल्कुल आपको डरना नहीं है कि हम कम पढ़े लिखे हैं या हम हमारी इस परिधान में कहीं बाहर नहीं जा सकते, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। जब मैं इंडिया से बाहर होती हूँ तो लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से, इंडिया से हैं, मुझे नहीं बताना पड़ता है कि मैं इंडिया से हूँ, तो मुझे गर्व महसूस होता है कि मुझे मेरे मुंह से नहीं बताना पड़ता है। जब मैं राजस्थान से बाहर होती हूँ तो लोग पूछते हैं कि आप राजस्थान से हैं, तो काम ऐसा करना है कि हजारों में हमारी पहचान होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ विद्यालय परिवार को कि आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभारी। साथ ही मैं महिलाओं को हमेशा एक संदेश देती हूँ कि महिला महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।